हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? और आशा करती होगी आप लोग जहाँ भी होगे अच्छे से होगे। तो फ्रेंड्स, ये मॉर्निंग का व्लॉग है और व्लॉग हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है और मैं आप हमको देख रहे हैं। मैं इस समय बर्तन साफ़ कर रही हूँ और ये रात का बर्तन है और रात को थोड़ी तबीयत नहीं सही लग रही थी इसलिए हमने बर्तन रात में नहीं साफ़ किया और इस समय मैं मॉर्निंग के टाइम पर मैं साफ़ कर रही हूँ। और जब मैं मॉर्निंग इस समय क्या कहते हैं बर्तन जब हम साफ़ कर लेंगे फिर मैं आगे का दूसरा काम हमको करना है। और काम मतलब सारे बर्तन जुटे थे तो अभी हमने चाय भी नहीं बनाया और सबसे पहले इसलिए बर्तन के लिए बैठना पड़ा और रात में बर्तन साफ़ कर लेते हैं तो इसलिए हम रात में नहीं कर पाए, इसलिए हम मॉर्निंग के टाइम पे हम साफ़ कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों से कहना है कि हमारे जो भी नए फ्रेंड्स आ रहे हैं प्लीज़ 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 हमारे चैनल को ज्वाइन करिए और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल अगर आप लोगों को हमारा अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट दीजिए और हमारे चैनल को शेयर करिए। क्या होता है वैसे हम किचन में बर्तन साफ़ करते रहते हैं और छोटा मोटा बर्तन साफ़ कर लेते हैं और जब बर्तन ज़्यादा हो जाता है तो लेके बैठते हैं तो रात में इतना बर्तन निकला नहीं था तो इसलिए हम साफ़ भी नहीं कर पाए, तबीयत भी नहीं सही लग रही थी इसलिए नहीं साफ़ भी किए। और वैसे कढ़ाई वगैरह रहता है, कुकर वगैरह रहता है तो बाहर ही पे बैठ के साफ़ कर लेते हैं बर्तन, हम ही अगर में ही साफ़ करते हैं। और क्या कहते हैं जब छोटे मोटे बर्तन रहते हैं तो खाना बनाते समय किचन में साफ़ कर लेते क्योंकि बर्तन बहुत निकलते हैं, छोटे मोटे बर्तन भी निकला ही करते पूरे टाइम, कुछ ना कुछ बना ही करता है तो बर्तन भी निकला करता है। इसलिए अभी मैं जो है बर्तन वहीं पे साफ़ करती हूँ, जब बर्तन थोड़ा सा बड़े बर्तन रहते तो हम यहीं पे साफ़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हमारा आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ आप एक लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा अगर, और हमारे आज की वीडियो में अगर कोई भी कमी हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, मुझे कमेंट में बताइएगा तो मैं उस कमेंट में जो है उस कमी को सही करूंगी। और तब तक कि आप लोग अपना ध्यान रखिए, वीडियो को फुल देखिए, हमारी वीडियो बहुत छोटी होती है वैसे भी हम वीडियो छोटी बनाते हैं कि आप लोग हमारी वीडियो को फुल देखिए, इसलिए मैं बड़ा वीडियो नहीं बनाती हूँ। और जो है आप लोग हमारी वीडियो को फुल देखिए और कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। अब मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक कि आप सब अपना ध्यान रखिएगा। जय सियाराम।